क्वेश्चन नंबर फोर में आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और ट्रायल बैलेंस के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। एक बार मैं रफली एडजस्टमेंट को देख लेता हूँ कि एडजस्टमेंट में किस किस को हमें इनसाइड में लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, लोन फ्रॉम आपका टेकन फ्रॉम बैंक आपका डेट दे दिया है, प्रोविजन फॉर मशीनरी भी दे रखा है, फर्नीचर, यानी इन सब पे डेप है। इसके बाद अगर मैं बात करूं और इसमें क्या ध्यान रखना है, कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है? हाँ जी, बैंक लोन के आगे परसेंटेज दे रखा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई एडजस्टमेंट तो इस पे बनता है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट भी हमारे ऊपर है। तो हम एडजस्टमेंट तो बाद में करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारे आइटम को ट्रांसफर कर देंगे एक एक करके। आप ये नहीं कि सबसे पहले ट्रेडिंग, मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए मैंने एक अंदाजा लगाया हुआ है अपने हिसाब से, 10 लाइन से ज्यादा नहीं छोड़ना हमें, और 10 लाइन में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कवर हो जाता है इजिली। सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा बताओ, लाइबिलिटी में जाएगा। तो लाइबिलिटी में मैंने लिखा है यहाँ कैपिटल 80,000। इसके बाद क्या है, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग बताओ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में से माइनस। ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं आपको। इसके बाद क्या है, सेल्स। सेल्स कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में, और यहां लिखेंगे बाय सेल्स अमाउंट 1,55,000 रुपए। इसे अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न होता है अक्सर। इसके बाद क्या है, परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के टू साइड। टू परचेज से पहले ना ओपनिंग स्टॉक में लिख देता हूं, ओपनिंग स्टॉक में लिख के छोड़ देता हूं, इसके बाद मैं लिख देता हूं टू परचेज। अमाउंट क्या है, 82,600। चले इसको भी अंदर लिख लिया। इसके बाद अब आ गया ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्यों लिख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्या है, 42,000। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड होता है, रिटर्न आउटवर्ड होता है, कैरिज आउटवर्ड होता है, कैरिज इनवर्ड होता है। तो जिसके आगे कैरिज लग गया वो तो खर्चा है, आउटवर्ड यहां आ जाएगा पीएनएल में, इनवर्ड यहां आ जाएगा। लेकिन रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड है इनवर्ड है, आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न यहां से लेस कर दें, लेस परचेज। अब कुछ बच्चे सोचते हैं उसमें तो रिटर्न आउटवर्ड था, तो यहां भी रिटर्न आउटवर्ड नहीं, परचेज रिटर्न भी लिख सकते हो आप, और फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता तो रिटर्न आउटवर्ड लिख दो। अमाउंट बताओ क्या है, 1,600। इसके बाद कैरिज इनवर्ड। अब इसको सेल्स रिटर्न मत मान ले रहा है, एग्जामिनर यही करना चाहता है, एक बार रिटर्न आउटवर्ड फिर कैरिज इनवर्ड दे दिया ताकि बच्चा यहां पहुंच जाए। कैरिज इनवर्ड, कैरिज लग गया वर्ड, तो कैरिज तो किराया होता है तो खर्चा है, तो यहां लिख देता हूं टू कैरिज इनवर्ड 1,200। इसके बाद वेजेस पे एडजस्टमेंट मैंने देखा था, वेजेस बताओ, इसको इनसाइड में लिख दिया। इसके बाद जब कभी भी कोई एडजस्टमेंट होगा 3 लाइन छोड़ना उस एडजस्टमेंट के बाद, कम से कम 3 लाइन, ताकि आराम से माइनस प्लस करके आ पाओ। एग्जाम के अंदर आपको एक्स्ट्रा शीट 10 ले लो मिल जाएगा, पर एक सीट पे जबरदस्ती कंजेस्टेड करने की कोशिश मत करना, आराम से करो, उस पे 3 लाइन छोड़ना एक एडजस्टमेंट के लिए। इसके बाद पावर है, चलो पावर मैं यहां लिख देता हूँ, पावर ट्रेडिंग में आएगा अमाउंट 6,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इसके बाद मशीनरी, ये तो बैलेंस शीट में जाता है, एसेट्स में मशीनरी अमाउंट 50,000, इस पे भी डेप्रिसिएशन है इसलिए मैंने अंदर लिखा। कितने लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ना है। इसके बाद फर्नीचर लिए 3 लाइन यहां तक हो जाता है, फर्नीचर अमाउंट 14,000, इसके बाद भी 3 लाइन छोड़ देंगे। चलो इसके बाद रेंट, रेंट पे भी देखा है मैंने एडजस्टमेंट, रेंट पीएनएल का पार्ट है, टू रेंट अमाउंट 22,000, इन साइड में लिखूंगे इसे हम। इसके बाद सैलरी, इस पे नहीं था कोई एडजस्टमेंट, 3 लाइन छोड़ दे, मेरे लिए 3 लाइन यहां तक है। सैलरी
15,000। इसके बाद इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट 3600, देख लेंगे क्या बनता है इस पे। आगे 8% बैंक लोन, तो परसेंटेज का तो बाद में हिसाब किताब लगा लेंगे, पहले मैं लोन तो लिख दूं मैं। 8% बैंक लोन, अमाउंट 25,000। इसके बाद डेटर, डेटर क्या होता है हमारा, एसेट्स होता है। तीन लाइन मेरे लिए ये हो गया, मैंने यहां लिखा डेटर अमाउंट 20,600 रुपए। नेक्स्ट क्रेडिटर, लाइबिलिटी 18,900। इसके बाद कैश इन हैंड, एसेट्स। चलो इस पे तो दो तीन एडजस्टमेंट देखा, तो पांच लाइन छोड़ूंगा मैं तो, यानी अब मुझे क्या लिखना है, कैश इन हैंड 1500। इसके बाद कंप्लीट। तो जिसको ये ट्रांसफर करना आ जाता है फटाफट, उसके लिए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप गलती पता है कहाँ करते हो, एडजस्टमेंट को माइंड में सर्कुलेट करते रहते हो, जी एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट है, फिर मन नहीं मानता, सोचते बाद में कर लेंगे ट्रांसफर, पहले एडजस्टमेंट ही कर लेते हैं। फिर एडजस्टमेंट कर लेते हो, पता चलता है एक साइड आपने करा, एक साइड भूल गए, और लास्ट में टोटलिंग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हो, फिर नहीं मिलता आपको। तो हम पहले तसल्ली से इसको कर लेंगे। अब एडजस्टमेंट ऐसे नहीं है कि एक ही जगह करा और छोड़ दिया, टोटलिंग बाद में करेंगे। एक जगह करा तो याद रहे, दूसरी जगह अभी करना है हमें, बाद का कोई चक्कर नहीं है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री है, एक यहां दिखाऊंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000, सबसे आसान एडजस्टमेंट और एग्जाम में भी आता है, और एक ये लो क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान में रखना है कि डबल एंट्री साथ के साथ, जहां आपने इसको छोड़ा वहीं बैलेंस शीट मिसमैच हो जाएगा आपका 64,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग डबल एंट्री में साथ के साथ चलूंगा, एक यहां पे हो जाएगा वेजेस आउटस्टैंडिंग में एड या लेस, एड या लेस, एड, और दूसरा लाइबिलिटी साइड। चलो इसको ऐड कर देते हैं, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है अमाउंट क्या है, और यहां पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग 2400 साथ के साथ, यानी कोई बाद का कोई चक्कर नहीं। बैड डेट्स और प्रोविजन भी दे रखा है, तो सबसे पहले माइनस होता है बैड डेट्स या प्रोविजन, बैड डेट्स होगा, उसके बाद प्रोविजन। चलो पहले बैड डेट्स माइनस करें, लेस बैड डेट्स, डबल एंट्री पहले करूंगा, बाद में दूसरी एंट्री पे जाऊंगा मैं। यहां लिख देता हूं टू बैड डेट्स, एडजस्टमेंट है इसके लिए तो लाइन छोड़ना है, टू बैड डेट्स 600। इसके बाद प्रोविजन है, तो पहले माइनस तो कर ले, अब लेस प्रोविजन कितने परसेंट है, 5% है 1000। अब दूसरी एंट्री साथ के साथ, माइनस प्लस नहीं करना मुझे अभी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। एक बात अच्छे से याद रखना है आपको कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस में होता तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में। बुक में कई बार आप देखोगे तो माइनस प्लस एडजस्टमेंट करता है, लेकिन आप क्रेडिट में दिखाओ आंसर आपका 100% ठीक रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होता उसमें। टोटलिंग में भले ही चेंज हो जाए, लेकिन आंसर आपका नेट प्रॉफिट ठीक माना जाता है। अब इसके बाद दो एडजस्टमेंट कर लिया, तीन कर लिया, चार कर लिया इनफैक्ट हमने। रेंट 11 महीने का है, 11 महीने का, इसका मतलब रेंट ये 11 महीने का, तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, सिखाया था ये वाला एडजस्टमेंट, तो एक महीने का बाकी है, तो क्या करें इसमें, ऐड ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये 2000 आ जाएगा। कैसे आया 2000 ये भी देख लो, 22000 डिवाइडेड बाय 11, 2000, डबल एंट्री साथ के साथ लेके चलूंगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, ठीक है, टोटलिंग का प्रोसेस बाद में। ये भी हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम ईयर एंडेड 31 मई, आपका एनम भी लिखा हुआ है, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम है जो वो है तो 12 महीने का ही, लेकिन वो मई में चले गया, तो मार्च के बाद अप्रैल और मई, दो महीने का फालतू है, तो दो महीने का क्या माने हम, प्रीपेड, दो महीने का क्या मानेंगे, प्रीपेड। चलो निकालते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, 3600 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 2, 600, तो लेस
प्रीपेड इंश्योरेंस 600, डबल एंट्री अभी करूंगा मैं, प्रीपेड 600, चलो। इसके बाद लोन कहता है 1 अक्टूबर को लिया है, तो इसका मतलब ये पता है क्या बताना चाहता है जी, पूरे साल का था, अगर इस दिन मैं लोन लेता तो मैं पूरे साल का ब्याज देता, बट मैंने लोन लिया इस दिन 1/10/2017 में, तो जब मैं इस दिन लोन ले रहा हूं तो इतने दिन का ब्याज दूंगा ना, 6 महीने का। तो लोन था कितने का, 25,000, तो 25,000 पे ब्याज निकाल लो, 8/100, 8% का मतलब रेट है ये, और 6/ क्या आ गया, 1,000 आ रहा है, बस 1,000 आ गया। क्या पहले इंटरेस्ट पेमेंट था, नहीं, पहले पेमेंट होता तो मुझे दिखता ना पीएनएल के डेबिट में। इसका मतलब 1,000 रुपये ब्याज बन रहा था और उसको 1 रुपये भी नहीं दिया, तो सारा का सारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अगर पहले 300 रुपये होता तो पहले से तो 700 होता आउटस्टैंडिंग बचा हुआ, यहां पे कितना आउटस्टैंडिंग हो गया सोचो, पूरे 1,000। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000, और दूसरी एंट्री साथ के साथ, जहां आपने इधर उधर ध्यान भटकाया, आंसर मिसमैच, 8वां एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर पे भी 10%, यानी मशीनरी पे, फर्नीचर पे कितना है, 5, और मशीनरी पे 10 है ना, तो लेस डेप्रिसिएशन 10%, 5,000। डबल एंट्री पहले करूंगा मैं इसके, और टू डेप्रिसिएशन और मशीनरी 5,000 है ना, 5,000। इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं, इसे हटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए इस पे भी डेप लगा दे, डेप्रिसिएशन 700, 700 आ गया, और सेकंड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 700। लो जी, सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट, कोई एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से नहीं पेंडिंग। अब हम इसको सबसे पहले नहीं लग जाएंगे, जो पहले इनसाइड में लिखा हुआ है उसको पहले मैं आउट कर दूं, और आउट करते टाइम पे बड़े ध्यान से करना है, लेस वाले को लेस ही करना है, कई बार आप जल्दबाजी में ऐड कर देते हो, और ऐड वाले को ऐड ही करना है, तो उसको बड़ा ध्यान से देखना है, ये लेस करना है। तो 82,600 कितने आ जाएगा हमारा, 81,000। चलो इसमें तो कुछ आया नहीं, तो 1,55,000 ये आ जाएगा, 64, ऐड का सिंबल है तो 6,400, बड़े ध्यान से करना है इसको, यहां पे भी ऐड का है तो 22,224, यहां लेस का है ध्यान देना, कहीं ऐड कर दो 3,000, और तो इधर कोई नहीं है, इधर भी नहीं है, चलो इस पे आ जाओ। अब ये भी लेस का है और ये भी लेस का है 13,000, अब ये भी लेस है 19,000, और तो कोई नहीं है, ये तो सबसे लास्ट में ही होगा। अब चलो ट्रेडिंग कर लेते हैं, आपका आ गया 1,55,000 और प्लस में 2,19,000, और यहां पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर, कहां होता है पता है, पीएनएल में, माइनस करते हैं अब क्या आ रहा है, माइनस कर लिया 82,400, और ये बाई साइड में आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 82,400, चलो नेट प्रॉफिट निकालेंगे अब 82,400। अब जिसने कर रखा है वो तो ठीक, अब टोटल कर लेते हैं एक बार, 25 और 15, 40, 42, 43, 44 और 5, 49 और 1, 50, 50,300 माइनस कर दो, क्या आ गया,
नेट प्रॉफिट 100। अब ये कहां चला जाएगा, ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में 32,100। अब माइनस प्लस कर लो, 18,000 पहले माइनस कर दो और 32,100 प्लस कर दो, क्या आता है बताओ कितने? 94,100। अब यहां चलो, अब इसको प्लस करते हैं, करो फटाफट, देखते हैं सबसे फास्ट कैलकुलेशन किसकी है। कर करके देखना है आंसर ने क्या आ रहा था, 1,43,400। अब जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया था, किस किस का आंसर नहीं आ रहा था, अब कहां पे एरर था बताओ, गलती हो रही थी, और आपका एडजस्टमेंट। तो एक बार फटाफट नोट करिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे।